सैटेलाइट एंड प्लानिटरी मोशन में पॉइंट नंबर वन सुन लो। अगर आपके पास कोई भी सैटेलाइट को आपने लॉन्च करना है, तो आप अगर बहुत हाइट पर लेके जाते हैं और आप सैटेलाइट को प्रोजेक्टाइल की तरह फेंकते हैं, तो अगर बहुत वेलोसिटी नहीं है, बहुत हाइट भी नहीं है, तो हो सकता है वो नीचे गिर जाए प्रोजेक्टाइल की तरह। तो तुम्हें एक जो है एक अच्छी हाइट लेके अच्छी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है, ताकि ये किसी ऑर्बिट में जाके सेट हो जाए। तो मान लो आपने वी वेलोसिटी पे इसको भेजा और ये क्या कर रहा है, इसने गोल घूमना शुरू कर दिया। जब ये घूमेगा, सैटेलाइट पॉइंट मास है, तो इसको कौन सी फोर्स चाहिए घूमने के लिए, सेंट्रिपेटल। फॉर्मूला क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एच, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से लेना है, आर प्लस एच। और कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपेटल, ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ का सेंटर इसे खींचेगा बाय अ फोर्स ऑफ जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हम डिस्टेंसेस कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर, और आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो ग्रेविटेशन प्रोवाइड सेंट्रिपिटल, आर प्लस एच से आर प्लस एच कैंसल, और ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर्मूला सिस्टम में घर जाके एंटर करना है आपने। दूसरा पॉइंट, कभी कभी कैपिटल जी एम की जगह आपको स्मॉल जी की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होते हैं, तो आप कैपिटल जी एम की जगह सिंपली क्या पुट करेंगे, स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला तब लगता है जब सैटेलाइट ठीक ठाक डिस्टेंस एच पे दूर दूर होती है अर्थ से। लेकिन सैटेलाइट अगर बहुत कम नज़दीक है सरफेस ऑफ अर्थ के, मान लो 300-400 किलोमीटर, और आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर्स, उसके सामने एच नेग्लिजिबल है, तो आप एच को निगलेक्ट कर दें कि भाई सैटेलाइट बहुत नज़दीक है, 2-400 किलोमीटर पर ही है, तो आप इसे निगलेक्ट करके ऑर्बिटल का ये फॉर्मूला बुक्स ज़्यादा यूज़ करती हैं उन सैटेलाइट के लिए जो सैटेलाइट अर्थ के काफ़ी करीब है, तो ऑर्बिटल का ये फॉर्मूला है। या फिर इसके अंदर भी एच को जीरो करते हुए ऑर्बिटल का ये फॉर्मूला है। तो ऑर्बिटल का फॉर्मूला जो बुक्स में नॉर्मली चलता है उन सैटेलाइट्स के लिए जो काफ़ी करीब हैं, ये फॉर्मूला। और अगर आप जी और आर को पुट करें तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो एक सेकेंड में एक सैटेलाइट 7.9 किलोमीटर कवर कर जाती है। बहुत होता है 8.5 किलोमीटर, एक हो गया 8 किलोमीटर, इतनी तेज़ चल रही है ये लो, फिर द्वारा गई 8 किलोमीटर और गई आगे, तो तुम पकड़ भी नहीं पाओगे, इतनी तेज़ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है ऑर्बिट। और ये तो उनकी बात है जो काफ़ी क्लोज हैं। अब ये क्लोज से मतलब क्या होता है, हम क्लोज क्यों रखते हैं, दूर रख लो ना, नहीं वो तो दूर वाली भी घुमाएगी। हाँ, क्योंकि अगर इंडिया की सैटेलाइट है, इंडिया के ऊपर रहनी चाहिए, ये ना हो थोड़ी देर में यूएसए तो उड़ा देगा, तो बेसिकली वो क्यों चाहेगा कि कोई कंट्री के ऊपर हो, तो साथ साथ घूमना जरूरी है, है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं, और वो बहुत हाइट नहीं अटेन कर सकती, बहुत हटाइन हाइट होगी तो जो है उसकी वेलोसिटी और अर्थ की वेलोसिटी में फ़र्क आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम पीरियड में करना ही क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ सैटेलाइट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। डिस्टेंस आपको पता है 2πr+h है सैटेलाइट का डिस्टेंस, और वेलोसिटी ऑर्बिटल पता है, इसको रेसिप्रोकल लेके वैल्यू आ गई। आर प्लस एच अगर अंडर रूट में गया तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर प्लस एच का होल क्यूब। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, दूसरा टॉपिक है। तीसरा, अगर ये सैटेलाइट बहुत नज़दीक है सरफेस ऑफ अर्थ के, तो एच को उठा के क्या पुट कर देंगे, जीरो जीरो, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। और इसमें अगर आप कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर की फॉर्म में पुट करो, तो टाइम पीरियड इसके करीब आएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव आता है कि ऑप्शन मार्क करो वो सैटेलाइट जो अर्थ के काफ़ी करीब है, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, काफ़ी करीब का मतलब एच अप्रॉक्सीमेटली जीरो। तो ये फॉर्मूला है, क्लियर है यहाँ तक। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जब ये मैं डेरिवेशन कर रहा था, इसके अंदर मैंने ये एज्यूम किया है कि जो सैटेलाइट है वो एच डिस्टेंस पे है, और मैंने आर प्लस एच रेडियस लिया। काफ़ी बुक्स ऐसा नहीं करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बुक सेंटर से ही डिस्टेंस लेती हैं, और वो कितना लेती हैं, छोटा आर। वो अपनी डेरिवेशन ऐसे बनाती हैं ऑर्बिटल की कि इसके अंदर ये मास है और ये स्मॉल मास है, तो ग्रेविटेशनल कितना है पुल, जी एम एम बाई छोटा आर, आर प्लस एच नहीं करती, स्मॉलर करती हैं, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई छोटा आर। एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर। अब ध्यान से पढ़ना, वो छोटा आर यूज कर रहा है कि बड़ा आर यूज कर रहा है,
क्योंकि जो सरफेस ऑफ अर्थ के करीब है सैटेलाइट, उसमें छोटे आर को अप्रोक्सीमेटली बड़ा आर पुट कर दे, वही आंसर आ जाता है। पर मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये एक्सपेक्ट ना करना बुक्स के अंदर आर प्लस एच करते हुए, वो सीधा ही स्मॉल आर उठा देती है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। तुमने एच लेना एच ले लो, तुमने सीधा लेना आर ले, वो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि तुम्हें सीधा डिस्टेंस गिवन है सेटेलाइट का या तुम्हें एच गिवन है, वो डिपेंड करता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है?